तो जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद विनोद स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी से। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 1600 मीटर के ऊपर जो नए धावक होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उन्हें वर्कआउट कैसा करना चाहिए और क्या क्या गलती करते हैं, और वर्कआउट से पहले क्या खाना है, वर्कआउट के बीच में क्या ले सकते हैं और वर्कआउट के बाद क्या खा सकते हैं, और सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो या नहीं, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से वीडियो आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये पहला पार्ट है, अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। तो आओ दोस्तों चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों अब आ गए हम बोर्ड पर। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले हमें गलती क्या नहीं करनी। दोस्तों नए बंदे गलती क्या करते हैं, जो पुराने बंदे होते हैं या तो उसके साथ वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, नहीं दोस्तों उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो चुकी है, उसका वर्कआउट करते करते थोड़ा बहुत या रनिंग करते करते चाहे कुछ भी कर रहा हो लेकिन उसकी मसल में पावर आ चुकी है थोड़ी बहुत और स्टेमिना भी बन चुका है। तो आपको ये गलती नहीं करना कि आपको उसके साथ ही भागना और स्पीड में भागना है। और गलती एक चीज और करते हैं, 1600 मीटर है तो 1600 मीटर भागोगे, या सिर्फ एक चीज और करते हैं, सिर्फ बिगिनर लोग आते हैं सिर्फ रनिंग 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 करने से इंप्रूवमेंट नहीं आते। देखो रनिंग जरूरी है हमें, लेकिन रनिंग करने से इंप्रूवमेंट नहीं आती। दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको एक से दो वीक तक आपको यही चीज करनी है। तो आपको गलती ध्यान क्या रखना है, आपको जूते कंफर्टेबल पहनने हैं और गधों की तरह वर्कआउट नहीं करना। आपको दोस्तों के साथ, आप दूसरे पुराने धावक के साथ लगाते हो तो वो गलती नहीं करना। आपको पहले स्टार्टिंग में एक से दो हफ्ते आप जी अपने स्टेमिना और मसल में थोड़ी बहुत पावर बनाओ। तो इसके लिए आपको मैंने ये चीज़ बताया, ये जो पूरा पॉइंट है आप पूरा पॉइंट एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब मैं बात करूँगा दूसरे पॉइंट की, ये आपको करना कब तक है, एक से दो वीक तक कर सकते हो। एक से दो वीक करोगे तो आपको थोड़ा स्टेमिना बन जाएगा, थोड़ी मसल मसल में पावर आ जाएगी। अब करना क्या है, 10 से 30 मिनट रनिंग करना है, बिल्कुल इजी। साइड में आप देख सकते हो कि रनिंग कर कैसे करना है, बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग करना है और थोड़ा रनिंग करते समय जंपिंग टाइप से आपको मतलब रनिंग करना है पंजों पे। तो आपको ये करना है, और रनिंग करते समय दोस्तों आपको कोई फास्ट रनिंग नहीं करना, पहले स्टार्टिंग में स्लो स्लो करो, पहले 10 मिनट करो फिर 20 मिनट करो, अपना 30 मिनट तक कैपेसिटी बनाना है। आपको 30 मिनट कैपेसिटी बनने के बाद आपको ये रनिंग करने के बाद फिर एबीसी ड्रिल्स करनी है। एबीसी ड्रिल्स से क्या दोस्तों फायदा होगा, एबीसी से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, स्टेमिना में इंप्रूवमेंट होगा, रनिंग में आपका इंप्रूवमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ इंप्रूवमेंट होगा। तो आओ दोस्तों अब देखते हैं एबीसी करनी कैसे है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम ग्राउंड पे, ग्राउंड में बताऊंगा एबीसी एक्सरसाइज करनी कैसे है, जिससे आपकी स्पीड में पावर में और एंडोरेंस में भी फर्क पड़ेगा। बहुत बंदे कहेंगे कमेंट, भाई एबीसी से एंडोरेंस नहीं फर्क पड़ता। दोस्तों कैसे करना है, जो नए बंदे उनको अच्छे से देखना है वीडियो, और एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हमें फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, अप एंड डाउन 30 सेकंड तक हमें करना है कंटिन्यू। 30 सेकंड होने के बाद फिर आपको स्टैंड लगाना है, स्टैंड लगाने के बाद आपको स्लो स्लो जोक करके आना है नॉर्मल सा, ठीक है। फिर दोबारा आना है आपको, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल कभी करा नहीं है, तो आप रुक रुक के कर सकते हो, जैसे अभी मैं रुक गया थोड़ा रेस्ट ले लिया फिर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया, अगर आपको लगता है वर्कआउट थोड़ा कम है, तो आपको कंटिन्यू करना है। सेकंड एक्सरसाइज आपको ये चेस्ट के पास आके घूम के आएगा, देखो ये 30 सेकंड करना है इसको भी। 30 सेकंड होने के बाद फिर स्प्रिंट लगाया सूट, फिर स्लो स्लो जॉग नॉर्मल बिल्कुल रिलैक्स, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये। इसमें अभी क्या दोस्तों, हम क्या पहले वाले में क्या करते हैं, ये वाला घुटना चेस्ट के पास लाके फिर उठा रहे थे, अब इसमें घुटना सीधा रहेगा ये 30 सेकंड तक ये भी करना है। करने के बाद स्प्रिंट, फिर ये, फिर नॉर्मल जॉग करते 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 आपको दोबारा आना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होगा और पावर और टेक्निक और 1600 मीटर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा आपका धीरे धीरे, अगर आप स्टार्टिंग से बेस बना के चलते हो तो। फिर के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है दोस्तों, हाई नी, ये हाई नी में ध्यान के देना है, बॉडी पीछे नहीं जानी चाहिए, ये 90 डिग्री तक उठनी चाहिए और अप एंड डाउन, ये देखो दोस्तों ये फास्ट फास्ट 30 सेकंड करने के बाद फिर आपको स्टाइल लगाना है, स्प्रिंट सूट, फिर यहाँ से स्लो जाना है नॉर्मली बिल्कुल स्लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना इतना स्लो भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थक जाते हो तो आप रेस्ट ले सकते हो, एक से दो मिनट रेस्ट ले सकते हो, अगर आप नहीं थक रहे तो कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है दोस्तों बैक किक। बैक किक कैसे होना चाहिए, जो हमारा ये है पैर हमारे हिप पे लगना चाहिए, ये एक बार देख लो दोस्तों अच्छे से। 30 सेकंड होने के बाद फिर सेम टू सेम आपको ये करना है, सूट स्ट्राइड बोलते हैं दोस्तों, इजी लगाना है आपको, सूट मार के
फिर वार्म अप वहाँ से जॉग करते 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 फिर आए, फिर कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, स्ट्रेट लेग। स्ट्रेट लेग कैसे करना है ये भी देख लो आप, स्ट्रेट लेग ये ये, इसमें क्या ध्यान रखना है, बहुत बंदा गलती क्या करते हैं इसमें, घुटने फोल्ड करते हैं, ये घुटने फोल्ड करते हैं, तो ये गलती नहीं करना आपको, घुटने सीधे रखने हैं ये, ठीक है। ये देख लो, ये आप खड़े खड़े भी कर सकते हो और चलते चलते भी कर सकते हो, सारी एक्सरसाइज आप चलते चलते भी कर सकते हो। करने के बाद आपको सूट लगाना है करीब 10 से 20 मीटर, फिर जॉग करते करते आपको आना है, फिर दोबारा यही आ जाना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, तो दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, थोड़ा पावर के लिए, थोड़ा काफ के लिए आपको पावर के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। नॉर्मल से क्या करना है, खड़े होके जंप 30 सेकंड करा, स्टार्ट लगाया, स्लो होके होने के बाद नॉर्मल जो बिल्कुल इजी रिलैक्स, फिर दोबारा आया। दोस्तों ये प्रोसेस को आप दो दो सेट या तीन तीन सेट भी कर सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल नया है, बिगनर है, वो सिर्फ एक सेट ही करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पेन की दिक्कत हो सकती है। आप चलते दोस्तों फिर दोबारा बोर्ड पे हम। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि एबीसी कैसे करनी है, हम बोर्ड पे फिर दोबारा आ चुके हैं। एबीसी करने के बाद आपको स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड क्या होता है अब ये आप समझ लो, क्योंकि बहुत बंदे बोलेंगे भाई स्ट्राइड लगाते कैसे हैं, जैसे कि अब हम एबीसी कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, एक जगह खड़े होकर फिर हम स्प्रिंट लगा रहे थे, मतलब सूट लगा रहे थे, तो आपको सेम टू सेम वैसे ही लगाना है स्ट्राइड। आपकी जितनी स्पीड है 70-80% आप लगा सकते हो स्ट्राइड में, जो कि आपको करना है 4-6 स्ट्राइड करना है। स्ट्राइड आपको 4-6 स्ट्राइड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो रनिंग का स्ट्राइड लेंथ है, मतलब जो आपके कदम कम कम खुलते हैं, उसको ज़्यादा खुलने स्टार्ट हो जाएंगे इन सब स्ट्राइड से, और बॉडी भी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, जो आपकी थकावट होगी वो भी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी। दोस्तों अब मैं बात करूँगा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, जो आपकी बॉडी टाइट रहती है, मसल टाइट रहती है, आपको स्ट्रेचिंग करना है। अगर आपको मालूम नहीं है स्ट्रेचिंग की कैसे करना है, आई कैन पर आपको वीडियो मिल जाएगी स्ट्रेचिंग, आप पूरी वीडियो देखना, और जूते की भी आपको वीडियो मिल जाएगी आई कैन पे, वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों आपको स्ट्रेचिंग करना है अच्छे से, स्ट्रेचिंग करने के बाद दोस्तों आपका अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, और आप नेक्स्ट डे भी आप वर्कआउट करने के लिए स्टार्ट हो सकते हो। अब बात करूंगा दोस्तों वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद और वर्कआउट के बीच में खाना क्या है, फुल डे डाइट प्लान, इसके ऊपर पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। अगर आप सुबह रनिंग करते हो तो आप दो या तीन खजूर खा सकते हो, या पीनट्स बटर या ब्रेड खा सकते हो, जिसको जो भी कंफर्टेबल लगे। मैं तो भाई दोस्तों बिस्किट खा के भी चले जाता हूँ तो मेरा ठीक ठाक लगता है, बंदे बहुत लोग कहते हैं बिस्किट चिपकता है, वैसे भाई अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो मत खाओ, ठीक है। आप बिस्किट खा सकते हो, पीनट्स बटर या ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, या दो तीन खजूर खा सकते हो, ये सब आप खा सकते हो, मतलब कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हो जो आपका पेट पचा सके रनिंग करते समय, कोई दिक्कत नहीं आए, आप वो चीज़ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, आप जब रनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, सॉरी एक ही चीज़ होगी, लेकिन बीच में आपको करना क्या है, बीच में आप ग्लूकोन डी या एनर्जी ड्रिंक कुछ भी ले सकते हो, आपका इससे क्या रहेगा, जो आप थकते हो तो आपका रिकवरी अच्छी हो जाएगी, तो ये बीच की बात होगी। अब मैं बताऊंगा वर्कआउट के बाद क्या खाना है, जब आप ट्रेनिंग करते हो खाना क्या है आपको, आप कुछ भी प्रोटीन वाली चीज़ खा सकते हो। अगर आप सुबह रनिंग कर सकते हो तो अंडे खा सकते हो, या वर्कआउट बाद केले भी खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट है, हमें एनर्जी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आप ये सब चीज़ खा सकते हो। अगर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आपको बस मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको डाइट प्लान का अगर वीडियो देखना है आई कैन पे, आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी, आप ये फॉलो करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूँगा ट्रेनिंग की, अकेडमी की। दोस्तों हमारी अकेडमी का एक ऑफर निकला है जो कि 6,000 रुपये पर मंथ आपका लगेगा, जिसमें मैंने ट्रेनिंग फीस ऐड नहीं करी, नॉर्मल रहने और खाने का आपका फीस ले रहा हूँ। बाकी आपको बहुत लोगों का कमेंट आएगी भाई एकेडमी की फीस ज़्यादा है, भाई जिसको ज़्यादा लग रहा है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग पर मंथ की 300 रुपये रखी है मैंने, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको मैं बताऊँगा, फुल गाइड करूँगा, सिर्फ आर्मी वालों के लिए बता रहा हूँ, 6,000 फीस है ये। बंदा आना चाहता है 25 तारीख को हमारा बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 6,000 रुपये लगेगी आपकी पर मंथ की फीस, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे आपका लगेगा 300 रुपये पर मंथ, जो आपको गाइड करूंगा मैं व्हाट्सअप पे, आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, ये चीज़ आपको फॉलो करना है अच्छे से बिगिनर के लिए, ये पार्ट वन है, अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने फॉलो नहीं करा फॉलो कर लो, यहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।